वहां पर 10 सीट पर हम लड़ने का प्रयास करेंगे कि वहां पर 10 सीट पर हम लड़ने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक बड़ा बयान सामने आया है, झारखंड में चुनाव होना है और ऐसे में जीतन राम मांझी ने ये ऐलान किया है कि हम 10 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। ये एक प्रेशर समझे तो जीतन राम मांझी की तरफ से दिया जा रहा है भाजपा के ऊपर, क्योंकि अभी डेट का ऐलान नहीं हुआ है झारखंड चुनाव को लेकर। वहीं जीतन राम मांझी ने एक ये भी बयान दिया है जो तेजप्रताप यादव लालू के बड़े बेटे के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि जीतन राम मांझी के घर से हमारे घर में चूहा प्रवेश कर जाता है। वहीं रतन टाटा को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, आप पहले उनकी बयानों को सुनिए। का सबसे बड़ा उद्योगपति रतन लाल टाटा जी का निधन हुआ है, उससे हम लोग दुखी हैं और हम लोग दुखी क्या रहेंगे समूचे हिंदुस्तान के लोग दुखी हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में रतन लाल टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे उद्यमी को, ऐसे देशभक्त को जाने से जरूर हम लोगों को धक्का लगी है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा जहाँ भी रहे उनको शांति मिले, और फिर अन्य लोगों से भी प्रार्थना करते हैं कि जिस स्टेमिना से एक बड़ा पूंजीपति होकर के भी राष्ट्र की सेवा उन्होंने की है, उसी तरह से पूंजीपति हों उसके लिए शुक्रिया, लेकिन साथ साथ देशभक्ति समाज सेवा को कभी नहीं भूलें, ये रतन लाल टाटा जी से सीख लें और पीठ लेकर के अगर सीखते हैं तो अच्छी श्रद्धांजलि होगी। यही अपेक्षाओं के साथ हम पुनः पुनः उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। तेजस्वी अस्वस्थ अस्वस्थ बता रहे हैं कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं है। अब तेजस्वी जी अगर चिकित्सक हैं तब तो मैं नहीं कर सकता हूँ, अगर चिकित्सक हैं और चिकित्सा के दृष्टिकोण से अगर बतलाते हैं तब तो कुछ नहीं करना है। लेकिन जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, कौन ऐसा कार्यक्रम उनका नजर आ रहा है जिसमें उनको अस्वस्थ मानते हैं? वो मंत्रिमंडल की बैठक कर रहे हैं, बाढ़ में देखा कि आप लोग ने उन्होंने विजिट किया, आज हर काम को वो कर रहे हैं। बहुत लोगों का जो जयंती होती है, पुण्य तिथि होती है, वो अवसर पर भी जा रहे हैं, यानी सारा काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो उनको कैसे लग रहा है कि वो अस्वस्थ हैं? हमको तो लगता है कि तेजस्वी जी ही तो अस्वस्थ न हो गए हैं। झारखंड चुनाव में हम क्या भूमिका रहेगी सर? अभी हाल में हम चतरा में एक बैठक जाके किया है और वहाँ घोषणा किया है कि वहाँ पर 10 सीट पर हम लड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम NDA में हैं, NDA के माध्यम से चर्चाएं चल रही है और चलाएंगे, और जो सीट मिलेगी उस सीट पर हम लोग लड़ेंगे, लेकिन चुनाव वहाँ जरूर लड़ेंगे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्टर के लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस मुसलमानों को डराकर राजनीति करती है, हिंदुओं को बांटने की कोशिश करती है। देखिए नरेंद्र भाई मोदी जी अभी वर्तमान में मैं समझता हूँ कि अलौकिक शक्ति से भरपूर हिंदुस्तान और भारत की सेवा कर रहे हैं। उनके मुखारविंद से जो भी बातें उठती है आती है वो मौजू होती है, हिंदुस्तान के लिए भारत के लिए लाभदायक होती है। आज कह सकते हैं कि कांग्रेस की बात जब वो लोग करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जब उन लोग प्रचार कर रहे थे कांग्रेस वाले लोग तो क्या नारा दे रहे थे, JNK मतलब कि पाक ऑक्यूपाइड था, POK था, उसके बारे में उन लोग क्या क्या ना बोल रहे थे। तो वैसी बातें बोलना और फिर विदेश में जा कर के हिंदुस्तान के बारे में कुछ कहना, ये सब कोई राष्ट्रभक्ति नहीं है। वैसे लोग अगर कुछ बोलते हैं तो उनकी बात पर हम लोग भरोसा नहीं करते हैं, और उस चीज़ के लिए अगर नरेंद्र भाई मोदी जी ने कुछ कहा तो उन्होंने ठीक ही कहा है उन लोगों के लिए कि वो लोग डरा करके राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन अभी हरियाणा का चुनाव आपने देखा, कुछ नहीं चला उन लोगों को, और पहले के मनीष पर तीसरी बार वहाँ भाजपा की सरकार बन गई है, बनने जा रही है।
मांझी जी, क्या लगता है आपको चिराग पासवान और रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि पशुपति पारस असली उत्तराधिकारी है? ऐसा हमने कभी, दलित नेता के रूप में उभर रहे तो कुछ लोगों की परेशानी हो रही है। अब कौन क्या कर रहा है उससे हमको क्या मतलब है, हमको न पता है। आपने जो कहा सर, तेज प्रताप यादव एक बयान दिए कि मांझी जी के यहाँ से चूहा निकलता और हमारे घर, उसकी बातें हो चुकी है। उनके यहाँ का चूहा हमारे यहाँ आते रहता था, सब खा गए हम लोग, चूहा खाने वाले हैं। अगर और उनके यहाँ कोई चूहा है तो भेज दें। तो आपने साफ तौर पर जितेंद्र मांझी के बयानों को सुना, उन्होंने जो रतन टाटा का जो निधन हुआ है उसको लेकर उन्होंने दुख जताया, उन्होंने कहा कि देश को भारी नुकसान हुआ है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ी खबर है, जितेंद्र मांझी ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर 10 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने की बात कही, एक बड़ी खबर। जितेंद्र मांझी, हम पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 10 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। वहीं तेज प्रताप यादव ने जो आरोप लगाया था जितेंद्र मांझी के घर से हमारे घर में चूहा प्रवेश कर जाता है, तो उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके घर से जो चूहा आते हैं हम खा जाते हैं। एक बड़ी खबर सामने आई है। वहीं रतन टाटा को लेकर भी क्या कुछ कहा, आपने तमाम इस वीडियो में उनकी बातों को सुना। वायरल खबर में इतना ही, आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।